अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो अभी हो रहे हैं मॉर्निंग 11 o'clock एंड आप देख सकते हैं आज का वेदर कितना ही प्यारा प्लेजेंट है। और फिर अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर। हस्बैंड अचानक बोले कि हम बाहर आज ब्रेकफास्ट करेंगे, तो हम आ गए थे अन्ना लक्ष्मी यहाँ पर साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट खाने के लिए। तो चले अंदर। तो अभी यहाँ आकर पता चला कि ऑलरेडी हस्बैंड एक दिन पहले ही हमारा टेबल रिजर्व कर दिए थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो अभी हम जाएंगे और सेटल हो जाएंगे। तो अभी आप देखिए सारे ही होटल का एम्बियंट भी बहुत अच्छा है एंड ये वाली है ब्रैम्पटन पे एंड यहाँ का साउथ इंडियन फूड बहुत ज़्यादा डिलीशियस है जैसा सब हमें बोल रहे थे। तो हम यहाँ पर ट्राई करने आ गए थे और फिर मैं आगे बताऊँगी हमने क्या क्या ऑर्डर किया एंड बहुत अच्छी थी एंड आज का वेदर बहुत अच्छा था। एक्चुअली इतना अच्छा टाइम था एंड अच्छा था, एकदम प्लेजेंट सा वेदर देख सकते हैं आप। एंड ये वाली है सारी ही रेस्टोरेंट का व्यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकफास्ट हो गया एंड अभी है टी टाइम एंड जबरदस्त वाली मसाला चाय। तो फिर अभी आज का सारा ही हमारा प्लान चल रहा था कि अभी क्या क्या करना है आज के दिन। तो वही आज बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे होने वाला है। तो चले मेरे साथ। ऐसा नहीं हो सकता ऐसा। देख रहा है आता नीचे कोने में। तो फिर अभी हम आ गए थे इब्राहिम को पिकअप करने के लिए। फिर हम इब्राहिम को घर पर ड्रॉप कर दिए और फिर हम आ गए थे वॉलमार्ट। आज का दिन तो बहुत ही बहुत ज़्यादा बिजी है एंड आप देख सकते हैं वॉलमार्ट में लग गई है क्रिसमस की डेकोरेशन एंड अभी यहाँ से ज़बरदस्त डील स्टार्ट हो जाते हैं, अच्छे ऑफर्स वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर आज मेरा डिनर का कुछ स्पेशल बनाने का प्लान है क्योंकि आज हस्बैंड को ऑफ है। तो मैं आ गई थी वॉलमार्ट और यहाँ से हम थोड़ी ग्रोसरी ले लेंगे। पहले तो हमारी शक्कर पत्ती वगैरह ख़त्म हो गई थी तो वो लेना है एंड फिर आगे चलिए बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे मिल जाती है। वो वाली पत्ती नहीं मिलती, अपनी वाली वही मिलती, वो वाघ बकरी। वाघ बकरी नहीं मिली, टिम हॉर्टन्स है वो। तो अभी मैं यहाँ से थोड़ा सी फूड ले लूँगी जैसे कि प्रॉन्स हो गए, फिश हो गए, क्योंकि आज रात में बनेगा ज़बरदस्त वाला सी फूड के डिशेस। तो फिर अभी हम यहाँ से ये वाले ले लिए एंड फिर हम यहाँ से गए चाय पीने के लिए क्योंकि इतना प्यारा वेदर था, ज़बरदस्त वाली तूफ़ान की जैसी बारिश हो रही थी और हमारा चाय पीने का मन कर रहा था। तो हम आ गए थे बेक ग्रिल्स एंड यहाँ की चाय बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी। टेस्ट है देखो आप पी के। फिर हमारी गर्मा गर्म चाय के साथ हम निकल गए थे कैनेडी स्क्वायर मॉल क्योंकि यहाँ पर हमें करना था, हमें नहीं हस्बैंड को करवाना था हेयर कट। तो फिर हम यहाँ पर से हेयर कट करा लेंगे और फिर मैं थोड़ी यहाँ से वेजिटेबल्स वगैरह ले लूँगी एंड फिर निकलेंगे घर की तरफ।
अरे यहाँ है ना क्रश, बहुत महंगा है उनका क्रश बनारस। तो अभी मैं यहाँ से थोड़े वेजिटेबल्स पिकअप कर लूँगी। एंड यहाँ पर इतने प्यारे आम आए हुए थे, पता नहीं ये सीज़न में आम, और मैं अभी लेकर देखूँगी कैसे रहते हैं। इतनी खुशबू थी, सारे ही स्टोर में सिर्फ आम की खुशबू थी। एंड दिल तो बोला था कि यहीं ले लूँ और यहीं खा लूँ। तो फिर अभी दे देखिए, यही मॉल में है हम। यहाँ पर वेजिटेबल्स सस्ते मिलते हैं अकॉर्डिंग टू ऑल डिफरेंट प्लेसेस। तो मैं जब भी यहाँ पर सलून पे हम अगर आ जाते हैं तो यहाँ से हम थोड़े वेजिटेबल्स पिक करते ही करते हैं। तो फिर अभी हम ले लेंगे थोड़े से आम और निकलेंगे घर के तरफ। और हो रहे हैं अभी 5 बज रहे हैं, घर जाना है और मुझे फिर डिनर की प्रिपरेशन भी करना है। एंड इतने महंगे आम मिले हैं हमें $7 में LB। तो लिटरली मेरे को आप समझिए $12 में आए हैं सिर्फ 6 आम। स्मेल तो अच्छी आ रही नहीं, $6.88 LB। तो मैं आ गई हूँ घर। अनफॉर्चुनेटली मेरी मगरिब मिस हो गई और ईशा का टाइम हो गया है। अभी हो रहे हैं यहाँ 6:30 और ईशा का टाइम हो गया है। ईशा की नमाज मैंने पढ़ ली है, उसके बाद में अभी मैं बना रही हूँ शेजवान फ्राइड राइस। तो उसके लिए मैं सारे ही वेजिटेबल्स चॉप कर ली हूँ, ऑनियन, कैरेट एंड हमारी प्याज की पत्ती एंड शिमला मिर्च। उसके बाद में फिर मैं कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले ली हूँ और उसके बाद में मेरे प्रॉन्स जो मैं आते ही मैरिनेट कर दी थी वो मैं पहले फ्राई करके निकाल लूँगी डीप फ्राई। उसके बाद में वही ऑयल में मैं डाल दूँगी हमारी ऑनियंस। ऑनियंस जैसे ही हमारे थोड़े से लाइट ब्राउन हो जाएंगे उसमें मैं ऐड कर दूँगी हमारे बाकी के साथ, नहीं सॉरी, पहले जिंजर ऐड करूँगी मैं, चॉप्ड जिंजर। तो ये वाली है हमारी चॉप्ड जिंजर एंड गार्लिक, तो ये वाली मैं ऐड कर दूंगी। उसके बाद में जैसे ही ये जस्ट 2 मिनट्स के लिए हम पका देंगे, उसके बाद में मैं मेरे चॉप्ड वेजिटेबल्स डाल दूंगी। सब में पहले हमें डालना है कैरेट, क्योंकि कैरेट थोड़ा ना गलने में टाइम लगता है। तो ये जैसे अच्छे से फ्राई हो जाएगा एक 2 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, उसके बाद में मैं डाल दूंगी मेरे दूसरे जो भी वेजिटेबल्स हैं। एंड आपको कुछ और भी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो हमारे जैसे ही ये थोड़े से सॉटे हो जाएंगे, इसके बाद में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। आप अकॉर्डिंगली ऐड करिए थोड़ा थोड़ा डालकर। उसके बाद में फिर कश्मीरी लाल मिर्च हम डालेंगे 1 टीस्पून, क्योंकि ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए हमें डालना है। उसके बाद में मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिल्ली पाउडर, देखा आप कितना कम क्वांटिटी ली हूँ मैं, एंड 1 टीस्पून ऑफ शुगर ऐड कर देंगे हम। एंड फिर इसे हम अच्छे से थोड़ा जस्ट मिक्स कर लेंगे। एंड फिर इसके बाद में मैं मेरा राइस इसमें ऐड कर दूंगी। एंड ये वाला जो राइस है, ये वाला मेरा लेफ्ट ओवर था रखा हुआ थोड़ा, तो मैं ये भी डाल दूंगी। एंड थोड़ा सा मैंने फ्रेश राइस बना लिया था वो भी ऐड कर दूंगी। फिर राइस ऐड करे बाद में हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, जस्ट 2 टीस्पून ऑफ सोया सॉस, ज़्यादा नहीं डालिए। उसके बाद में हम डालेंगे हमारा शेजवान सॉस। एंड शेजवान सॉस आपको अच्छे ज़्यादा ही डालना है, तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में डालूंगी एटलीस्ट 3-4 टीस्पून ऑफ शेजवान सॉस। फिर 1-2 टीस्पून ऑफ हमारा टोमेटो केचप, और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर लास्ट में हम अपने प्रॉन्स इसमें ऐड कर देंगे। एंड जो यम्मी बना था अल्हम्दुलिल्लाह, हस्बैंड सुबह में मुझे एक सरप्राइज दे दिया। तो मैं कार में बैठे बैठे सोची कि आज मैं क्या बना सकती हूँ अच्छा, तो फिर मैंने ये बना दिया। एंड लास्ट में हम इसे गार्निश करेंगे हमारे प्याज की पत्ती के साथ। एंड बहुत डिलीशियस बना था। एंड इसके साथ मैं फिर फ्राई करूँगी फ़िश, फ़िश फ्राई करेंगे हम और अपना डाइनिंग टेबल सारा ही ज़बरदस्त तरीके से सेट। एंड बच्चों की भी बहुत फेवरेट हो गई, आजकल तो हमारे बच्चों का फेवरेट फूड चल रहा है चाइनीज़। तो ये ज़बरदस्त सा शेजवान फ्राइड राइस प्रॉन्स वाला रेडी हो गया है एंड हमारी फ़िश। और फिर अभी हम ये एंजॉय करते थे। तो आज का यही था एक हेक्टिक डे, तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिए और अभी हम अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।